हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? और सुबह का टाइम हो गया है दोस्तों, लगभग ना सुबह के बज चुके हैं, अभी 7 बज रहे हैं और यहाँ पे आद्रिक भी उठ चुका है। बाकी ना अक्कू ने स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी हो गई है। हेलो अक्कू। आज है ना 2 तारीख है और आज ना हम ना स्कूल में ना टिफिन लेके जाएंगे। पापा खाना नहीं मिलेगा, हम टिफिन लेके जाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों आज ना 2 तारीख है और ना मैं ना स्कूल की ना ड्रेस पहन के रेडी हो चुकी हूँ, बाल भी बना लिए और ना मैं ना डॉक्टर के पास गए थे मेरा नया चश्मा बनाना है, तो ये मेरा नया चश्मा। और मैं ना अपना नया बैग दिखाती हूँ और ये रहा मेरा नया बैग। कैसा लगा दोस्तों? और जो मोबाइल में नहीं आते कार्टून वही बन रखे हैं इसमें। और आपको बहुत खुश हो गई अपना नया बैग देख के, है नहीं आपको? हाँ। नया बैग अच्छा लगा? हाँ। आपको के लिए सारी चीजें नई नई आई है, न्यू चश्मा भी आ गया, न्यू बैग आ गया, न्यू बॉक्स आया, न्यू शूज आया, न्यू सॉक्स आया, है नहीं? हाँ, सब कुछ नया नया। हाँ, न्यू रिबन भी आया भाई। और आपको बिल्कुल अपने स्कूल के लिए रेडी हो गई है, नहा धो के आज बिल्कुल। आज मैंने आपको किया ना बाल भी वॉश करे, तो आज ना बिल्कुल गीले गीले बाल बांध दिए आपको, क्या है ना आपको? हाँ। और ये देखो आदि भी यहाँ पे उठ गया है। हेलो आदि, हेलो हेलो करो सबको। और आदि उठते ही बस फोनों के पीछे पड़ जाता है, कौन सा फ़ोन निकालूँ क्या करूँ। ये देखो क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो चलो अब आपको ना नाश्ता करिए, कुछ जाओ नीचे नाश्ता करो। हमने आपको की आइस चेक करवाई थी तो आपको का न्यू चश्मा बन गया है। और फिर उसके बाद ना ब्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि हम उस दिन शाम को आए थे, फिर घर आके ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और अब मैं जो है 2-3 दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। तो आपको के ना स्कूल भी ओपन हो चुका है, तो आज 2 तारीख है, कल भी आपको स्कूल गई थी, कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। बाकी शहर का आपको मौसम दिखाऊँ तो अभी देखो सूर्य देव भी आ चुके हैं, लेकिन बादलों के बीच में ना बिल्कुल छुप गए हैं क्योंकि बादल लगे हुए हैं। और देखो बिल्कुल धुंध सी छाई हुई है चारों तरफ, जैसे कोहरा कोहरा है। ये वाली धुंध नहीं है जो आग वाली है, ये कोहरा है जो मतलब बारिश के मौसम में बनता है ना वैसा ही, लेकिन बारिश हो नहीं रही है, कोहरा कोहरा तो हो रहा है भाई चारों तरफ। और मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि अभी बारिश आती है। तो आपको स्कूल के लिए रेडी हो गई है, और ये देखो आद्रिक भी उठ गया है, ये आद्रिक उठ गया है। बाकी मैंने अभी बेडशीट वगैरह भी निकाल दिया धोने के लिए, चेंज करी है सबकी यहाँ की, तो बहुत सारे काम है। आपको अब तो नीचे ना गिरे, ठीक है? तो चलो आपको को नाश्ता कराते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको। चाय आ गई है मम्मी, गर्मा गर्म चाय। चाय आ गई है, चाय के साथ है बेकरी वाले बिस्किट। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बेकरी वाले बिस्किट, छी कितने अजीब से होते हैं। ये वो है ना अजवाइन वाले हैं, तो आपको पसंद नहीं है? हाँ। टेस्टी होते हैं ये तो? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आपको तो मीठा पसंद है। खा के देखती हूँ अभी। तो ये है शाम की चाय, गर्मा गर्म साथ में है बिस्किट। और आपको को ना ये वाले बिस्किट पसंद नहीं है, अजवाइन वाले बिस्किट। आपको पापा को भी बोलो पापा जी। तो शाम के 4 बज चुके हैं दोस्तों, अक्कू का ना ट्यूशन का टाइम हो गया है, तो फटाफट से चाय पी लेते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। और बाहर मौसम बिल्कुल भयंकर बारिश वाला बना हुआ है, देखते हैं बारिश होती है नहीं होती है, क्योंकि ऐसा मौसम तो बन ही रहा है लेकिन बारिश हो नहीं रही है। तो फटाफट से ना खाना खाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ना चाय वगैरह पी लिया है और अब मैं चलती हूँ अक्कू को ट्यूशन छोड़ने के लिए। ये देखो आज ना आपको 1 महीने बाद ट्यूशन जा रही है। अक्कू कैसा लग रहा है? 2 महीने बाद। दो नहीं, 1 महीने बाद है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी देखो मौसम ऐसा गड़बड़ हो रहा है ना, कभी भी हल्के हल्के भी बूंदाबांदी होने लगी थी, मैंने सारे कपड़े संभाले फिर सारे कपड़े दोबारा से फैलाए, और आज धूप नहीं रही, बादल लगे हुए थे तो इस वजह से ना कपड़े भी नहीं सूख गए आज। और ये देखो इधर पूरे काले काले बादल छाए हुए हैं भाई, लेकिन ना ऐसा रोज़ हो रहा है, ऐसा मौसम बना हुआ है बारिश वाला, लेकिन बारिश नहीं होती है, तो इसलिए ना हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती है। तभी दोस्तों मैं अक्कू को ना ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ, और जब मैं ट्यूशन छोड़ने जा रही थी अक्कू को, तो रास्ते में ना हम लोगों को काफ़ी तेज़ बारिश लगी भयंकर वाली, तो मैं ना भीग भी गई थी। और अभी भी देखो
और अभी देखो बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन सामने पे देखो काले ही काले बादल लगे हुए हैं भाई, और हो सकता है कि रात को फिर बारिश आए। और उस समय देखो, और उस तरफ देखो क्या मौसम बना हुआ है, बिल्कुल कोरा कोरा छाया हुआ है। और ऐसा मौसम देखने के लिए हम लोग तरस ही गए थे भाई। तो इस बार जो है ना बारिश ना पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा लेट हुई, मतलब कहीं ऊपर साइड में तो हो रही थी लेकिन हमारी साइड में ना बहुत ही लेट हुई। अब देखो जुलाई की आज 2 तारीख हो गई है, अब जाके जो है ना बारिश, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सावन का महीना जो होता है, जो चौमास बोलते हैं, जैसे मानसून जब आता है तो ऐसा वाला जो मौसम है ना उसी समय होता है, तो अब जाके देखने को मिल रहा है। तो ऐसे मौसम को देखने के लिए ना हम लोग तरस ही गए थे सच में। तो अभी मैंने शाम से अपना ब्लॉग शुरू करा है और शाम के 6 बज चुके हैं, तो अंधेरा तो काफ़ी लेट ही होता है आजकल, 7:30-8 बजे तक अंधेरा होता है। बाकी आपको दिखाती हूँ मक्की कितनी बड़ी बड़ी हो गई है खेत में। जब हमने मक्की की बुआई करी थी ना उस टाइम पे मैंने ब्लॉग बनाया था, और उसके बाद ना फिर दोबारा मक्की की वीडियो मैंने बनाई नहीं क्योंकि बारिश वगैरह हो भी नहीं रही थी और उक्के भी नहीं आए थे, बहुत ही लेट ही आए थे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं, ये देखो यहाँ पे ये जो वाली बगल में खेत है ये बुआ जी की है, और वो तो अभी दिल्ली गए हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो जो हमारे बगल में बुआ रहती है ना, उन्होंने यहाँ पे खेत में ना मक्की और बीच बीच में ना कहीं कहीं पे भट वगैरह बोए हुए हैं, जिसको बोलते हैं सोयाबीन की दाल, तो हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं भट। और भी ये जो है मक्की के पौधे हैं, पर देखो चचिंडे की बेल भी काफ़ी ऊपर तक आ गई है ये। लेकिन ना इस बार जो है ना हमारे में तो चचिंडे ना, आपने पहले मेरे ब्लॉग में देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा फैल जाते थे और चचिंडे लग भी जाते थे। इस बार ना भाई चचिंडे की बेल ना अब जाके फैल रही है, अब देखो पता नहीं कब तक इसमें चचिंडे लगेंगे। बाकी देखो मक्की कितनी बड़ी बड़ी हो गई है ये, हमने ना जब नीचे बोई थी ना उसी टाइम पे बो दी थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना मिर्च के पौधे में जैसे कभी पानी डाला हमने तो वैसे इनमें भी पानी गिरा होगा, इसलिए ना ये वाले पौधे ना थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। वरना ना ये देखो बीच बीच की मक्की अभी छोटी छोटी है क्योंकि इस साइड पानी नहीं गिरा होगा ना, इसलिए एक तो हम लोगों के यहाँ ना पानी की बड़ी दिक्कत है, तो सिंचाई तो हम कर नहीं पाते हैं लेकिन थोड़ी बहुत जो भी पानी डालते हैं, तो इसलिए ये वाले पौधे ना थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं और बहुत ही अच्छे भी लग रहे हैं। देखो अगर बारिश प्रॉपर तरीके से आती ना दोस्तों तो इससे भी बड़े बड़े पौधे होते हैं अभी मक्की के, और बारिश आई नहीं तो इसलिए छोटे छोटे हैं। और उधर देखो पतिदेव की तैयारी हो गई है घूमने की, रुको तो जरा कर दिया तुमने वो प्याज टमाटर भी करा, प्याज टमाटर दोनों करा, प्याज टमाटर दोनों चॉप करके रख दिए मैंने, कितने दो दो ना एक एक दो दो को क्या करना है। तो ये देखो जैसे ही ना बारिश दिनों बाद ना आज बारिश की शुरुआत होगी, ऐसा लग रहा है कि मतलब अब बारिश आएगी, मानसून तो आ गया, मानसून आ गया, तो कल से मैं ब्लॉग बनाना शुरू करूंगा। अरे यार तुम ऐसे मत बोला करो, मैंने सोच रखा था जब बारिश शुरू होगी ना तभी ब्लॉग शुरू करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे ना इधर आग लग रखी थी और कुछ भी काला काला सब इधर उधर काला ही दिख रहा था, मैंने कहा क्या काला काला अब हरी भरी वो दिखाएंगे। सच में अपना पहाड़ थोड़े हरे हरे से देखने को मिलेंगे दोस्तों, हरियाली होने लग जाएगी अब। और पतिदेव देखो शाम के टाइम पे इनका रूटीन होता है, ये नीचे रोड साइड में जाते ही हैं घूमने के लिए, और घूमे बगैर तो इनका मन ही नहीं लगता, और इसलिए ये जा रहे हैं अब। और मैं खाने पीने की अब तैयारी करूँगी क्योंकि अभी हम कुछ काम तो है नहीं, तो आज दिखाते हैं आपको आज हम क्या डिनर में क्या स्पेशल बनाएंगे। और अक्कू लोग ना इधर आ गए हैं, सासू माँ भी खुश हो गई बारिश के ऐसे मौसम को देखकर, क्योंकि ना अब मक्की भी होने लग जाएगी, घास भी होने लग जाएगा भैंस के लिए। और बड़ी आफत आ रही थी भाई कि घास भी ख़त्म हो गया था, जो सूखा घास था ना लगभग ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है एक वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो है ना लकड़ी और घास जो भी हमने परोड़े लगाई थी वो जल गई थी, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था तो आपने देखा था, तो वहाँ पर ना हमें भी बहुत नुकसान हुआ, तो इसलिए अब जो है ना हमारी भैंस के लिए घास भी ख़त्म होने वाला है धीरे धीरे। तो अब जो है बारिश आ जाएगी तो थोड़ा सा जो है घास भी हो जाएगा, तो इसलिए सासू माँ भी खुश थे मेरी। और बाकी ये देखो बारिश लगी थी तो जो है ना बकरी चंदू और नंदू को अंदर बांध दिया था, और ये हमारी भैंस यहाँ पे, भैंस को हमने भारी रखा क्योंकि इसके लिए बारिश सही है भाई, गर्मी होती है ना भैंस को, तो ये बारिश में ही नहा गई आज। और हमारा सिम्बा इधर है, सिम्बा देखो दोस्तों कितना बड़ा हो गया है ना, 1 साल का होने वाला है अब सिम्बा, तेरा हैप्पी बर्थडे आने वाला है ना, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे ठीक है। देखो खाने के लिए चाहिए, जीभ बाहर निकाल रहा, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है मेरे पास। तो ना आद्विक था अंदर अपनी बुआ के पास, तो आद्विक को ना ब्लॉग में लाने के लिए ना मैं बाहर लेकर आई हूँ, क्योंकि फिर आद्विक को ना दिखाओ ना फिर कमेंट आते हैं कि आद्विक नहीं दिखा आज वीडियो में। ये देखो ही क्या हुआ, चलो आद्विक को यहाँ पे नीचे रखते हैं। आद्विक बारिश हो गई ना, हेलो करो सबको, हेलो करो, हेलो करो,
ये तो ऐसे चिपक गया भाई, इसको नहीं करना। हेलो 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 नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। हेलो चलो फिर घूमी चलेंगे, चलो चलो घूमी घूमी चले घूमी चले घूमी चले। देखो हम बोलेंगे ना घूमी चले तो उधर को भागेगा। कहाँ है घूमी, कहाँ जाते हैं, किधर जाना है? चलो ऊपर सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ो ऊपर। तो हमने अभी आदविक को लेके गए थे ना जब सतपुली, तो गाड़ी में उस दिन आदविक बड़ा खुश हो रखा था। अब जैसे ना कल हम वीडियो देख रहे थे अपनी, तो फिर आदविक ने गाड़ी देखी तो आदविक ना उस समय रोने लग गया कि मुझे ना गाड़ी में लेके चलो, ऐसे इसे गाड़ी का बड़ा शौक है भाई, है ना। चले गाड़ी में, चले गाड़ी में, गाड़ी में चलो। ये देखो हाथ से कर रहा है कि उधर चलो, बहुत समझदार हो रहा है ना, बहुत तेज हो रहा है। ये देखो ऐसे कर रहा मुझे उधर चलो, जैसे मैंने बोला ना गाड़ी में चले। किधर जाना है गाड़ी में, कहाँ जाते हैं गाड़ी में, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है गाड़ी, बताओ कहाँ है गाड़ी। तो ये ना मम्मी ने छोटे छोटे झूले निकाले हुए, इनको लगाएंगे, बड़े बड़े अभी पतिदेवी लगाएंगे क्योंकि हमारे मम्मी के बस के भी नहीं है। और यहाँ पे है हमारी ककड़ी की बेल, ये देखो जीवन। और दोस्तों ये ककड़ी ना मैंने बो लगाई थी, मतलब मैंने बोई थी, अब देखते हैं जब इसमें ना ककड़ियाँ लगेंगे ना कितनी लगती है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में, और फिर ककड़ी खाने भी आना, और ये फिर मैं दिखाऊंगी कि ये मेरी मेहनत है। अभी तो देखो पौधे तो हो गए हैं अच्छे, और ये लगा रही मम्मी छोटे छोटे जगह। आ रही नीचे रहे यहाँ पे, आधी को मैंने ना चप्पल भी नहीं पहनाई, आधी रोने लग जाएगा, गीले हो गए, गंदे हो गए, आधी की पाँव गंदे हो गए रे, ची 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 ची। खड़ा रहे आधी यहाँ पे। और ये है हमारी कद्दू की बेल, ये देखो कद्दू भी ना बहुत ज़्यादा फैल जाता था पूरे वहाँ छत में, इस बार अभी यहीं तक ही है। जो लोग ना मेरी वीडियो ना रेगुलर देखते हैं, बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े होंगे ना, उनको पता होगा, उन्होंने देखी होगी कि कद्दू की बेल ना कितनी ज़्यादा यहाँ फैल जाती थी, अभी इतनी ही है। और ये है यहाँ पर मिर्च की बहुत पूरी, इसमें से कुछ कुछ मिर्च मम्मी ने लगाई है, पर अब जब अच्छे से बारिश होगी ना तब हम लगाएंगे। बाकी मैं देख रही थी कि किसी में मिर्च होती तो फिर मिर्च लेके जाती, पर अभी मिर्च नहीं लगी इसमें, किसी में फूल वगैरह तो लगे हैं, मिर्ची नहीं है। तो अभी दोस्तों करते हैं डिनर की तैयारी, और आज के डिनर में मैं बना रही हूँ, तभी दोस्तों करते हैं डिनर की तैयारी। और आज के डिनर में बनने वाला हमारे घर में आज बैंगन का भरता, और सीजन का ना ये फर्स्ट बैंगन का भरता मैं बना रही हूँ। और इसके लिए देखो प्याज कट कर लिया है, टमाटर, और इधर है धनिया, और इसमें देखो ये हरी हरी मिर्चें भी हैं जो मैं अभी लेकर आई हूँ अपने खेत से। धनिया और मिर्च ना खेत का ही है। तो चलिए पहले ना इनको अच्छे से ना रोस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों अभी यहाँ पे तैयारी हो गई है पूरी बैंगन के भरता बनाने की, और अभी मैं यहाँ पे जो है प्याज को बारीक कटा हुआ है इसे फ्राई कर रही हूँ। और ये देखो बैंगन भी मैंने यहाँ पे जो है उसके काले काले जो बाहर के रोस्ट करा था वो सारा छीन के और इसको यहाँ पे रख दिया है। बाकी देखो आपको भी आ गई है ट्यूशन से, और आते ही सीधा चिप्स, है ना। कैसे क्या पढ़ाई करी आज? आज मैंने ना सप्ताह कितने होते हैं भूल गए। अच्छा सबको हेलो हाय नहीं करना? हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों अभी ना मैंने ट्यूशन से आ गई हूँ, और ना मैंने ना सप्ताह कितने होते वो लिखे। ओके एक सप्ताह में आपको खाएगी बैंगन का भरता? ये नहीं खाएगी, इसे नहीं खानी है। तो अभी दोस्तों बैंगन का भरता बनके ना बिल्कुल रेडी हो गया है, और बस अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर, बस ये हो गया रेडी बैंगन का भरता।